press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि इस वीडियो में देख सकते हैं कि मैं हूं इस वक्त ईएसपी के मिडिल एलिवेशन पे। यहां पे आपको जो सामने गैलरी दिखाई दे रही है, दोनों साइड आपको मोटर दिखाई दे रहे हैं। ये है सीआरएम के मोटर, ये ए पास, ये बी पास, ये बीच की गैलरी है। ये लैडर ऊपर जाने के लिए टॉप एलिवेशन पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टोटल ईएसपी के चारों पास के बारे में बताऊँगा। इस वक्त मैं हूँ NTPC ऊंचाहार के थर्मल पावर प्लांट में। 500 मेगावाट का जो नया बॉयलर था जिसमें एक्सीडेंट हुआ था, हम लोग उसी ESP के अंदर काम करने आए हैं इस तरफ से रास्ता जाने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका पास ए और पास बी के बीच का जो मिडिल एलिवेशन है वो है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है बी और सी के बीच का मिडिल एलिवेशन। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे सी और डी के बीच में। तो जिस तरह से आपने देखा ये पास बी, उससे पहले पास ए, और ये वाला जो पूरा है ये पास सी। और ये रहा पास डी। इट मीन्स मैं इस वक्त पास डी और पास सी के बीच में हूँ। ये मिडिल एलिवेशन है डी पास और ये बी पास के। सीआरएम मोटर लगे हुए होते हैं, ये उनका पुश बटन, ये सारे मैन होल। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। एक्चुअली मैं अभी यहाँ पे फील्ड नंबर 9 के पास। ये फील्ड नंबर 9, ये उसका मेन होल, ये सीआरएम मोटर, ये इसका पुश बटन। इस साइड भी सेम, सी पास का फील्ड नंबर 9, ये उसका मेन होल, ये सीआरएम, और ये उसका पुश बटन। तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे सीन दिखाई देगा। अगर आप यहाँ से देखेंगे इस एंगल से कि ये दोनों साइड की मोटर लगी हुई है, सेम इसी तरह की मोटर उस साइड भी लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे एक पास में दो फील्ड होती हैं। अगर मैं कहूँ ये फील्ड नंबर 9 है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं सीआरएम, ये 9 जो है ये 9 फील्ड है और ये डी है। तो बीच से जो है हमारा वो सेपरेट हो जाता है फील्ड, इसमें दो फील्ड है कम्प्लीटली, 9D1 और 9D2 दोनों। ये 9D1 की और ये C1 की दोनों CRM मोटर लगी हुई है। इस तरह से आपको पूरे फील्ड में मोटर लगी हुई दिखाई देंगी। ये सारी मोटर हम लोगों ने डिकपल्ड कर दी है बिकॉज इसका ट्रायल हो रहा है अभी। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं हम लोग एमिटिंग इलेक्ट्रोड। ये ओल्ड एमिटिंग इलेक्ट्रोड है जिसे हम लोगों ने बाहर निकाला है फर्स्ट फील्ड से, 9D1 से, क्योंकि हमें 9D1 और 9D2 में ज़्यादा वर्क करना है। रिस्टोरेशन का ज़्यादा काम जो है हमारा वो 1D1 और 1D2 ये चार फील्ड में काम करना है। ये जो आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये सब एमिटिंग इलेक्ट्रोड हैं जो हम लोगों ने 1D1 और 1D2 के फील्ड से निकाला है। मैं आपको कुछ अंदर का सीन दिखाता हूँ किस तरह का है। यह है इंटरनल। यहाँ पे ये जो आपको सारी चीज़ें अभी दिखाई दे रही है ये सब हमें कट करके रिमूव करना है। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं ये आपको शाफ्ट, हैमर, बियरिंग, ब्रैकेट्स, वर्टिकल बॉक्स, इमिटिंग फ्रेम, कलेक्टिंग फ्रेम, इमिटिंग इलेक्ट्रोड, कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड, ये सारी चीज़ें हमें निकालनी है वन बाई वन करके, और उसके बाद नया हमें सब कुछ यहाँ पे लगाना है। रिस्टोरेशन का काम करना है, उसी प्रोजेक्ट पे हम काम करने आए हैं।
सो गाइस, कैसी लगी ये वीडियो? इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे टोटल चार पास हैं और चार पास किस तरह से होते हैं, उनके बीच में कितना सेपरेशन होता है, मोटर कहाँ पे लगी हुई होती है, पुश बटन कहाँ पे होता है, मिनहोल किस तरह का होता है, ये सब आपको जितना भी दिखाई देगा ये सारे मिनहोल हैं। इस मैनहोल से सब लोग अंदर जाते हैं और जो भी काम होता है, जो भी वर्क होता है, जो भी रेक्टिफिकेशन का काम होता है, रिस्टोरेशन का काम होता है, वो सब हम लोग करते हैं। बंद होने के बाद कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा मैनहोल, और इसे हम लोगों ने ओपन किया हुआ है। ऊपर में जो आपको ये दो मोटर दिखाई दे रही हैं वो GDRM की है। अंदर में GD स्क्रीन लगी हुई होती है, वो उसी के फंक्शन के लिए है। ये जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है वो है टॉप का एंगल, ये है डी और ये है सी पास। वो जो सामने लैडर है उस लैडर से लोग ऊपर जाते हैं टॉप एलिवेशन तक। आने वाली वीडियो में मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि इंटरनल में क्या क्या चीज़ें होती हैं ESP के और हमें क्या काम करना है। सो बने रहें आप हमारे चैनल के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।